गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है आई मेकअप के ऊपर, एंड ये वाला स्मोकी आई मैं कैसे क्रिएट करूंगी आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड पास में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर का सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वाला आई मेकअप अच्छा लग रहा है देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आईलिड पे कंसीलर लगाऊंगी, एंड कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ इन द सेट 05। आईलिड पे अच्छे से लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड उसको थोड़ा सा नीचे अंडर आई एरिया में भी लेके ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, एंड कॉम्पैक्ट के लिए मैं मेबिलिन का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, एंड सेम फ्लैट ब्रश के हेल्प से जो एरिया कंसील हुआ है उसको सेट कर रही हूँ। अभी स्टार्ट करेंगे स्मोकी आई के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नायका का काजल ले रही हूँ, एंड उसको मेरे अपर आई पे थोड़ा सा थिक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एंड एक क्यू टिप्स के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइस, स्मोकी आईज बनाने के लिए सबसे उसका मेन पार्ट होता है ब्लेंडिंग। अब जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका स्मोकी आई उतने अच्छे से उभर के आएगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, जब आप ब्लेंड कर रहे हैं आप क्रीज से बाहर मत लीजिए, उसको सिर्फ आपका आईलिड के ऊपर ही ब्लेंड करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे और थोड़ा एक बार काजल लगाऊंगी क्योंकि मुझे लगा थोड़ा कम है, इसीलिए इसको फिर से लगा के फिर से ब्लेंड करूँगी, बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं। एंड अभी मैं फिर से काजल लेके मेरा अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों पे अप्लाई करूँगी, एंड सेम क्यू टिप्स के हेल्प से उसको भी थोड़ा स्मज कर दूंगी लोअर वाटर लाइन पे ताकि एक स्मोकी सा इफेक्ट नीचे भी आए। अभी हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, एंड इसमें से जो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर है उसको ले रही हूँ, एंड मेरे क्रीज एरिया पे उसको सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड करूँगी क्योंकि एक अच्छा सा नेचुरल सा लुक आए, एंड जो स्मोकी आई है बहुत ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। अब अभी एक फ्लैट ब्रश लेके सेम आई शेडो को मैं लोअर लाइन पे भी थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ताकि वो भी मिक्सअप आए, एंड मेरा जो काजल है वो इधर उधर ना जाए। Thank you.
गाइज अभी मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके आउटर वी लाइन पे अच्छे से प्लेस कर रही हूँ ब्लेंड करते हुए ताकि मेरा जो स्मोकी आई है वो ज़्यादा इंटेंसीफाई हो सके। लेकिन आप चाहे तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी आपका स्मोकी आई हो गया है, लेकिन मैं उसको और इंटेंसीफाई करने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड लेके उसको ब्लेंड कर रही हूँ आउटर वी एरिया पे। एंड सेम कलर डार्क ब्राउन कलर को लेके थोड़ा सा लोअर लाइन पे भी लगाऊंगी ताकि वो एक जैसे लगे, एंड उसको वो वी शेप जो हुआ है उसके साथ मैं थोड़ा मिला दूंगी। अभी गाइस मैं सेम आई शेडो पैलेट में से जो थोड़ा सैम्पेन कलर का ग्लिटरी आई शेडो है उसको लेके मेरे इनर आईज कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखे। एंड अभी मैं वही काजल को लेके आज आईलाइनर अपने आईज पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अभी मैं आई लैसेस कर्लर लेके मेरे आई लैसेस को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फॉल्सेस वगैरह नहीं यूज करूँगी तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखे एंड इंटेंसीफाई हो, इसीलिए मैं आई लैसेस कर्लर पहले यूज करी एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ मेबेलिन कोलोसल का। एंड मस्कारा को दोनों लैसेस पे अच्छे से लगाऊंगी, अपर एंड लोअर। या सेम तरीके से दूसरे आईज पे भी कर दूंगी एंड आप देख सकते हैं दिस इज द फाइनल लुक। आई होप ये वाला आई मेकअप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।